बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अदानी ग्रीन एनर्जी पर 11.22 लाख जुर्माना, बीएसई एनएसई की कार्रवाई। सेंसेक्स व निफ्टी में मामूली गिरावट, उतार चढ़ाव से घबराया शेयर बाजार। कलम बनाने वाली कंपनी फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ को बोली के दूसरे दिन 6.11 गुना अभिदान मिला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आईपीओ के तहत 1,44,13,188 शेयरों की पेशकश की गई है। इसके मुकाबले 8,80,71,669 शेयरों के लिए बोलियां आई है। गैर संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 10.04 गुना जबकि खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों की श्रेणी में 7.14 गुना अभिदान मिला। पात्र संस्थागत खरीदारों के मामले में 1.36 गुना अभिदान मिला है। फ्लेयर राइटिंग ने आईपीओ के तहत 292 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी की है। वहीं बिक्री पेशकश के तहत प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह ने 301 करोड़ रुपए के शेयर रखे हैं। आईपीओ के लिए कीमत दायरा 288 से 304 रुपए प्रति शेयर है। गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ को बृहस्पतिवार को बोली के दूसरे दिन 15.25 गुना अभिदान मिला। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार 500.69 करोड़ रुपए के आईपीओ के तहत 2,12,43,940 शेयरों की पेशकश की गई है। इसके मुकाबले 32,39,33,896 शेयरों के लिए बोलियां मिली। इस तरह निर्गम को 15.25 गुना अभिदान मिला। गैर संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 26.23 गुना अभिदान मिला है। वहीं खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के मामले में 17.24 गुना तथा पात्र संस्थागत खरीदारों की श्रेणी में 3.14 गुना अभिदान मिला। आईपीओ में 302 करोड़ रुपए तक के नए शेयर और 1,17,56,910 शेयर बिक्री पेशकश के तहत है। बीते साल सबसे ज्यादा पेटेंट कराने के चलते सैमसंग दुनिया की टॉप इनोवेटिव कंपनी बन गई है। 2022 में सैमसंग के नाम 8,513 पेटेंट रजिस्टर किए गए हैं। इसकी वजह से Forbes.com की रिपोर्ट में सैमसंग को इनोवेशन स्कोर में 10 में से 9.25 अंक मिले। 9.03 के स्कोर और 2,313 पेटेंट के साथ एप्पल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रही। बावजूद इसके कि एप्पल ने बीते साल रिसर्च और डेवलपमेंट R&D पर सैमसंग से 45% ज्यादा खर्च किए, सैमसंग ने R&D पर 1.67 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जबकि एप्पल ने 2.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रमुख शेयर बाजार BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने कुछ सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदानी ग्रीन एनर्जी पर कुल 11.22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों शेयर बाजारों ने अदानी समूह की कंपनी पर बराबर बराबर यानी 5.61 और 5.61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने दी सूचना में कहा कि BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 21 नवंबर 2023 के माध्यम से कंपनी पर 5,61,680 से 5,61,680 रुपए का जुर्माना लगाया है। शेयर बाजारों को दी गई सूचना के अनुसार कंपनी यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि उसने पहले ही 2 और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी है। यह 7 सितंबर से प्रभावी है। उसके बाद समितियों की संरचना में बदलाव किया गया। इसके साथ कंपनी सेबी सूचीबद्धता विनियमन के तहत प्रावधान 17(1) और 19(1) का पुनः अनुपालन करी है। भारत में कागज का आयात वित्त वर्ष 2023 और 24 की पहली छमाही में मात्रा के हिसाब से 43% बढ़ गया है। इसमें आसियान देशों से आयात में हुई दोगुनी वृद्धि की अहम भूमिका रही। वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय यानी DGCIS के आंकड़ों के मुताबिक कागज और पेपर बोर्ड का आयात अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि में बढ़कर 9.59 लाख टन हो गया जबकि वित्त वर्ष 2022 और 23 की समान अवधि में यह 6.72 लाख टन था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान से आयात पहली छमाही में 2.88 लाख टन हो गया जो पिछले साल के समान अवधि में 81,000 टन था। वहीं समीक्षाधीन अवधि में चीन से आयात 1.86 लाख टन पर लगभग स्थिर रहा। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अदानी ग्रीन एनर्जी पर 11.22 लाख जुर्माना, BSE NSE की कार्रवाई।
सेंसेक्स व निफ्टी में मामूली गिरावट, उतार चढ़ाव से घबराया शेयर बाजार। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इनबिज़ न्यूज़। नमस्कार।